गर्म रहता है। बता देंगे ट्रेडिशनल डिश भोपाल में बनता है ज्यादा। ओके जनरेशन से चलता आ रहा है। चलता आ रहा है। बनाते हैं आप जो डिश दादी नानी सब बनाते थे। पुणे में हम अभी हैं डीपी रोड पे और ये है एड्रेस जहाँ पे आपको मिलेगा दड़पे पोहे। जोशी किचन है, अर्पणा मंगल केंद्र है, उसके अंदर आपको दड़पे पोहे मिल जाएंगे जो कि फैमिली यहाँ पे चलाती है, टू सिस्टर्स। मैम वेरी गुड मॉर्निंग। आप ये दड़पे पोहे कब से खा रहे हैं? बहुत दिनों से खा रही हूँ, मतलब 2-3 महीने तो हो गए। रेगुलर कस्टमर हूँ मैं यहाँ। रेगुलर आप आते हैं? आप फैमिली के साथ आते हैं? हाँ मैं ज़्यादा तो पार्सल लेके जाती हूँ। पार्सल फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी आती हूँ। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए भी आप लेके जाते हो। पोहा का टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया टेस्ट, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक, प्योर ऑथेंटिक बोलते हैं। प्योर ऑथेंटिक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। व्हाट्स योर गुड नेम? आपका नाम क्या है? बीना जोशी। बीना मैम। बीना मैम आज हम हैं पुणे में, राइट? इज अ करबे नगर डीपी रोड, राइट? तो मैम वी आर ऑपोजिट टू पंडित फार्म्स। ओके मैम, आप ये क्या खिला रहे हैं लोगों को प्यार से बताएंगे थोड़ा? ये देखिए हम लोग दड़पे पोहे खिलाते हैं। दड़पे पोहे? ओके ओके। और ये क्या दड़पे पोहे क्या होता है थोड़ा बता देंगे? ओके ठंडे रहते हैं। बाकी हम लोग जो खाते हैं ना वो गर्म रहते हैं। गर्म रहता है। पतला पोहा का बनता है ये? पतला पोहा का। और उसमें बाकी सब कच्चा आता है। कच्चा आता है। ओके तड़का डाल के मिक्स करके करते हैं। और ये आपको कितना साल हो गया? ये आप 2 साल हो गया खिला? ठंडे रहते हैं। तो इसको प्रोसेस बनाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट में बन जाता है। 10 मिनट में बन जाता है। और ये आपने कहाँ से सीखा ये? ये हमारी घर का ट्रेडिशनल। घर का ही है? हाँ। मतलब घर का ही मेनू है? मम्मी पापा ने सिखाया हुआ। ओके मतलब आपका घर का ही मेनू है ये? आप घर पे बनाते हैं? जनरेशन से चलता आ रहा है। चलता आ रहा है। बनाते हैं। आप जो रीजन, दादी नानी सब बनाते थे। आप जिस रीजन से आते हो, कोंकण बोल के महाराष्ट्र में है, उस रीजन में ही ज्यादातर खाया जाता है। इसको बोलते दड़पे, दड़पे पोहे, दड़पे पोहे। ओके आगे हम प्रोसेस देखेंगे इसका कैसे बनता है। ओके इसका प्रोसेस पातल हो रहा है। दिस इज अ पतला पोहा, पातल पोहे। पातल पोहे बोलते हैं मराठी में। पातल पोहे बोलते हैं मराठी में। पतला ये इसमें भी आई थिंक दिवाली के टाइम में भी होता है। हां हां दिवाली के टाइम इसका चूड़ा बनता है। चूड़ा बनता है, राइट? दिस इज अ ऑथेंटिक डिश व्हिच इज फ्रॉम कोंकण रीजन। कोंकण रीजन। इसमें इसके बाद जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट यस। सॉल्ट के बाद शुगर। मैं वही देख रहा हूँ, इतना दूर से आया हूँ। आपने कैसे अपने घर के डिश को ही बना दिया यहाँ पे? लोग पसंद कर रहे हैं, लोग चाहते हैं अभी ये खाना। ये घर की, घर का ये पीनट है। डीपली फ्राइड फ्राइड पीनट। पीनट भी पीनट गया। डीप फ्राइड है ये। डीप फ्राइड पीनट है। नहीं अजून एक खाला पोहे वाढवायचे। नाउ आई एम एडिंग तड़का। ये तड़का है, दिस इज वी कॉल फोडनी इन मराठी। फोडनी? फोडनी। फोडनी मराठी में फोडनी। हां फोडनी। फोडनी तो इसमें क्या है मैम? मेरे को दिखाया जा रहा है करी पत्ता है। करी पत्ता, ग्रीन चिली। ग्रीन चिली। मोहरी। मोहरी। और टर्मरिक। टर्मरिक। सिंपल फूड। यस सिंपल। थोड़ा सा है क्या? ये पोहा कहीं से मंगाती है या यहीं पे मिल जाता है पुणे? दिस कम्स फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप और फ्रॉम मार्केट एंड व्हिच इज मार्केट। ओके नियर सिद्धेवाड़ी। ओके ये भी मिक्स किया जा रहा है।
गया अभी, इसमें भी गया ऑनियन और ये कोरिएंडर गया, धनिया और आधा चला गया, कोकोनट, ये कोकोनट गया अभी, इसको भी मिला लेंगे। लेमन जूस है, ये लेमन जूस गया, इसका टेस्ट एनहांस होगा, यस यस, बिकॉज़ ऑफ दिस मोर टेस्ट, एंड दिस इज कोकोनट वाटर, ये कोकोनट वाटर भी, अब फ्रेश कोकोनट वाटर भी जाएगा इसमें। After mixing this, we'll add tomato. Tomato डालेंगे। अभी tomato जाएगा इसमें। ये पोहा भी ready हो गया। ये ready है पोहा, right? Yes. Okay. ये पोहा रेडी हो गया, राइट? थैंक यू। दिस इज कॉल्ड धड़पे पोहे, जो कि रेडी हो गया अभी। मैम ये टाइमिंग क्या है बताएंगे थोड़ा? टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक, सिर्फ सुबह रहता है, सुबह मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग 7:30 से 11 o'clock तक। मैम तो आप रियल सिस्टर हो, आपकी सिस्टर भी वहाँ पे है, ओके, तो आप यहीं नियर बाय पास में ही रहती हो? मैम पास में ही रहते हैं, ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और आपका पोहे बहुत ही टेस्टी है।